न मिल मुझसे खफा हो जैसे, साथ चल मौजे सबा हो जैसे, लोग यूं देखकर हंस देते हैं, तू मुझे भूल गया हो जैसे। आदाब नाजरीन, मैं हूं त्रिदीप रमण, एक बार फिर से हाजिर हूं दुनिया जहां से निराला टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर। हिंदुस्तान हमारा यानी मुल्क के मुसलमानों की अपनी बुलंद आवाज। आज के मकाम में हम आपको मिलवा रहे हैं बीजेपी के फायर ब्रांड लीडर जनाब शहनवाज हुसैन से। अवाम में आज बारी है स्टूडेंट लीडर शारिक अंसर की। किरदार में हम लेकर आ रहे हैं फिल्म माई नेम इज खान। आदाब नाजरीन, मैं साइमा खान एक बार फिर से हाजिर हूं एक नायाब टीवी शो हिंदुस्तान हमारा लेकर, जो मुस्लिम कौम के हुकूक की आवाज को बुलंद करता है। हर रोज की मानिंद आज भी हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं अवाम से। आज के अवाम में हम आपका तारुफ करा रहे हैं अपनी आंखों में कौम और तंजीम की तरक्की का ख्वाब सजाने वाले स्टूडेंट लीडर शारिक अंसर से, जो स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल सेक्रेटरी हैं। ये स्टूडेंट इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के नेशनल सेक्रेटरी हैं। वो न सिर्फ स्टूडेंट को तालीम के मायनों से रूबरू करवा रहे हैं, साथ ही उन्हें सामाजिक खिदमात के लिए भी आगे बढ़ा रहे हैं, जिससे वो चमकते हिंदुस्तान की तकदीर लिख सकें। इनकी पैदाइश हजारीबाग झारखंड में हुई और इनका बचपन भी वहीं गुजरा। हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट जो झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, मैं वहाँ से ताल्लुक रखता हूँ। बुनियादी तालीम वहाँ की एक मारूफ तालीमी इदारा जो है इस्लामिया हाई स्कूल, वहाँ से हमने बुनियादी तालीम जो हासिल की है। ग्रेजुएशन तक की तालीम इन्होंने यहीं रहकर हासिल की। सेंट कोलम्बस कॉलेज से ग्रेजुएशन करने के बाद आला दर्जे की तालीम हासिल करने के लिए झारखंड की दारुल हुकूमत रांची आ गए और रांची यूनिवर्सिटी में जर्नलिज्म की डिग्री हासिल करने के लिए दाखिला लिया। शारिक एक इनकलाबी घराने से ताल्लुक रखते हैं। इनके वालिद एक प्रोफेसर हैं जो जमात इस्लामी हिंद में सेक्रेटरी भी हैं। इस वजह से इनके घर में तालीम और तरबियत का माहौल बना रहता है। सामाजिक खिदमात का जज्बा इनके अंदर बचपन से ही था। ये जिस तंजीम के आज नेशनल सेक्रेटरी हैं, उस तंजीम से वो साल 1996 में जुड़े थे। ये इनका तालिबे इल्मी का दौर था। ये तंजीम से एक मेंबर के तौर पर जुड़े थे, लेकिन अपनी मेहनत और लगन की बदौलत वो आज इस मकाम पर पहुँचे हैं। ये आज भी अपने ऑर्गेनाइजेशन को नई ऊंचाइयां देना चाहते हैं। इनकी जाती जिंदगी की बात करें तो ये 6 भाई बहन हैं। इन्हें अपने परिवार वालों से जिंदगी की हर राह में पूरी मदद मिली है। 4 भाई हमारे, 2 भाई जिसमें ऑलरेडी एसआईयू के वो भी मेंबर हैं, और 2 और बाकी जो है वो जॉब कर रहे हैं, तो कुल 6 लोगों का की फैमिली है। उनका पूरी तरह से सपोर्ट जो मिलता रहा है। ये अपने वालिदैन के बेहद शुक्रगुजार हैं। उनकी तरबियत की बदौलत ही आज वो तंजीम की जानिब से दी गई जिम्मेदारियों को बाखूबी निभा रहे हैं। वो मानते हैं कि वालिद ने इन्हें लोगों की पहचान करना सिखाया है। वालिद साहब के जरिए से मुझे माशरे में किस तरह से सरगर्मी अंजाम देना है, लोगों के साथ मुलाकातें, लोगों को समाज के लिए, समाज के नवनिर्माण के लिए जोड़ना, ये तमाम चीजें मैंने वालिद साहब के जरिए से सीखी। ये अपनी वालिदा के बेहद करीब हैं। वालिदा से इन्होंने सब्र रखना और जिंदगी में कभी हार ना मानना सीखा है। वालिदा से मैं सबसे ज्यादा करीब हूँ। बचपन से मोहब्बत, प्यार, तरबियत, वो तमाम चीजें जो है मिली हैं। वालिदा से खासकर सब्र और स्ट्रगल करने का जो जज्बा है वो वालिदा से मिला है। बचपन में ये बेहद संजीदा मिजाज के थे। बचपन के एक वाकये ने इनकी पूरी जिंदगी बदल कर रख दी। एक बार हम लोग स्कूल से निकल कर फुटबॉल मैच देखने चले गए थे पास के स्टेडियम में, और उसके बाद जो वालिद साहब ने उसके बाद एज ए हेडमास्टर उन्होंने जो चीज़ें हम लोगों को बताई थी, मुझे खासकर, तो वो मेरे लिए जिंदगी का एक बहुत यादगार लम्हा था और वो मेरा टर्निंग पॉइंट था मेरी जिंदगी का। इनको क्रिकेट और फुटबॉल बेहद पसंद है। फुटबॉल में इनके पसंदीदा खिलाड़ी जिनेदिन जिदाने हैं। शारिक अंसर की दास्तां से रूबरू होने के बाद अब वक्त है सियासी नेपथ्य में बेतरतीब पसरे उन सन्नाटों को समेट लाने का, जिन सन्नाटों में हर पल वैसी आहटें करवटें बदल रही हैं जो आने वाले वक्त में किसी बड़ी खबर की शक्ल अख्तियार कर सकती हैं। तो लीजिए पेश है आज का मिर्च मसाला, यानी खबरों की खबर बनने से पहले की आहटें। व
वो ख्वा मख्वा हथेली पे जान रखते हैं, अजीब लोग हैं मुंह में जुबान रखते हैं, वो जिनके पाँव के नीचे नहीं जमीन कोई, वो मुट्ठी में कई आसमान रखते हैं। टीम केजरीवाल नए खुलासों की तैयारियों में जुट गए हैं। इस बार इनकी जद में दिल्ली से लगे एक खुशहाल सूबे के सीएम आने वाले हैं, जिनकी रॉबर्ट वाड्रा से नजदीकियां भी जग जाहिर हैं। इस वजीर आला के मॉरिशस कनेक्शन को खंगाला जा रहा है। समझा जाता है कि मॉरिशस में इनके कई बैन अल-अक़वामी खाते हैं। जराए बताते हैं कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन को इस बाबत कई अहम कागजात हासिल हो चुके हैं और टीम केजरीवाल के कई मेंबर इसकी पड़ताल में अभी भी मॉरिशस में बने हुए हैं। IAC इस बाबत एक व्हाइट पेपर भी ला रहा है, यानी आने वाले दिन कांग्रेसी सियासत के लिए और भी हंगामी खेज रहने वाले हैं। मिर्च मसाला की पेशकश के बाद अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, पर आप कहीं जाइएगा नहीं, क्योंकि ब्रेक से वापस लौटने के तुरंत बाद हम पेश करने वाले हैं मकाम और आपको रूबरू कराने वाले हैं बीजेपी के स्पोक्स पर्सन और साबिक वजीर काबीना जनाब शहनवाज हुसैन की जिंदगी के कुछ अनछुए पहलुओं से। आप वक्त की धड़कनों को यूं ही संभाल कर रखिएगा, हम लौट कर आते हैं पल दो पल में। मेरे दादा ने मेरी अम्मी को कहा था कि ये बड़ा आदमी बनेगा, इसकी हिफाजत करना।